दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल R3F न्यूज पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए हैं जर्नी ऑफ वैशाली, यानी वैशाली की जर्नी करेंगे। यहाँ पर हम आपको सब चीज़ें दिखाएंगे, सब जगह दिखाएंगे, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, आप कहाँ घूमने आ सकते हैं, कहाँ से आप क्या परचेजिंग कर सकते हैं, क्या शॉपिंग कर सकते हैं, वो सभी हम दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने इसकी सबसे पहले शुरुआत की है, ये पार्क है दोस्तों, ये पार्क का नाम है चित्रगुप्त पार्क। और ये पार्क आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि बिल्कुल रेड लाइट के पास पड़ता है दोस्तों। ये सेक्टर 4 की रेड लाइट है, सेक्टर 4 की रेड लाइट से जैसे ही आप अंदर आते हैं सेक्टर 4 और 3 की तरफ, तो थोड़ा सा चलते ही राइट साइड में पार्क है जिसका नाम है चित्रगुप्त पार्क। तो दोस्तों हम आपको ये पार्क दिखाएंगे और पार्क के जो गार्ड भैया हैं हम इनसे भी बात करते हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस पार्क का टाइम क्या है, पहले तो वो बताइए। सुबह के टाइम है 5 बजे खुल जाता है, 8 बजे तक सोसाइटी घूमती हैं। अच्छा अच्छा। और 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक पर्चियाँ करती हैं। सुबह 5 से 8 ये फ्री है, यहाँ कोई भी आ सकता है, घूम सकता है, योगा कर सकता है, लेकिन 8 बजे के बाद फिर आपको 10 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हमने गार्ड साहब से बात की है, अब हमारे कैमरामैन आपको इस पार्क को दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, अब हम आए हैं आयकर भवन, ये वैशाली सेक्टर 3 में पड़ता है। तो सेक्टर 4 की रेड लाइट से जैसे आप थोड़ा अंदर आते हैं तो राइट साइड में एक रोड अंदर की तरफ आती है, उसमें थोड़ा सा आगे चलते ही आपको लेफ्ट साइड में ही कोने पर आयकर भवन मिलेगा, ये वैशाली सेक्टर 3 में पड़ता है दोस्तों। और इसके ठीक सामने अंश प्लाजा मॉल है, जरा कैमरामैन अंश प्लाजा मॉल को दिखाइए एक बार। ये सामने अंश प्लाजा मॉल है, वैसे सेक्टर 1 में पड़ता है, रोड के पास सेक्टर 1 है, इधर सेक्टर 3 है। तो ये हमने आपको आयकर भवन दिखाया है, तो ये बिल्कुल ये रोड है जो बिल्कुल रोड के पास ही पड़ता है, जो आनंद विहार से मोहनगर के लिए जो रोड जाती है। और दोस्तों अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये आयकर भवन के बिल्कुल बराबर में ही पड़ता है, ये यहाँ पर कई सारे बैंक है जो आप देख रहे हैं। अभी हमारे कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे, जैसे IDBI बैंक है, यहाँ मैक्स लाइफ का भी है, आप देख रहे हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है यहाँ पर, जैसे कि कैमरामैन आपको दोस्तों दिखा रहा है। और यस बैंक है, ये IDBI बैंक है, और उसके बराबर में एक बैंक और है दोस्तों, वो भी आपको दिखा है। तो ये बैंक भी आयकर भवन के बिल्कुल बराबर में ही है दोस्तों। अब हम जिस रोड पर है, ये सेक्टर 4 की रेड लाइट से जो रोड अंदर सेक्टर 3 और 4 में आता है दोस्तों, ये वो रोड है। आपको अब यहाँ पर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस रोड पर यहीं आगे हम थोड़ा चलेंगे, पेट्रोल पंप भी दिखाएंगे, और पेट्रोल पंप के बराबर में महागुण मॉल है, यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है दोस्तों, वो भी दिखाएंगे। अभी हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि इस रोड पर छोटी छोटी सी बहुत सारी शॉप्स खुली हुई है, यहाँ पर किस किस तरह की शॉप्स है हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। गौरव जरा दिखाई यहाँ पर किस किस तरह की शॉप्स हैं। चलिए बस आगे चलिए, ऐसे ही शॉप्स दिखा देते हैं कि इस रोड पर किस किस तरह की शॉप्स हैं। दोस्तों ये जायका मुरादीबाद चिकन है, बहुत अच्छा चिकन बनाते हैं यहाँ पर, और भी कई सारी शॉप्स हैं, ये अलग अलग तरह की यहाँ पर छोटी छोटी शॉप है जो सेक्टर 4 का जो रोड अंदर आ रहा है उस पर, और पेट्रोल पंप और इसके बीच में इतनी सारी शॉप्स आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों अभी जो हम इस रोड पर चल रहे हैं सेक्टर 4 से जो अंदर आता है, इस पर थोड़ा आगे आकर पेट्रोल पंप से बिल्कुल पहले बिहारी मार्केट पड़ता है, इस मार्केट के बारे में बहुत से लोग जानते भी हैं दोस्तों। यहाँ पर ना काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती है, जैसे यहाँ पर आपको एक तो उसमें आगे जाकर चिकन मार्केट है, यहाँ पर आप कच्चा चिकन खरीद सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस किस तरह की शॉप्स है। गौरव जरा दिखाना यहाँ पर,
दोस्तों यहाँ पर ना बाहर के मुकाबले काफी सस्ते में आप सामान खरीद सकते हैं, जैसे परचून का है, पूजा पाठ का सामान भी यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर कुछ ना इस तरह की चीजें भी मिल जाती है जो आपको मेन मार्केट। निकलते हैं बिल्कुल राइट में है पेट्रोल पंप बराबर में, इसके अंदर हम आप आ गए हैं माहगुन मॉल की तरफ। अब हम आपको सेक्टर 3 का माहगुन मॉल बताएंगे, दिखाएंगे, जहां से आप सब तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों तो मैंने इसको आपको बताया कि सेक्टर 3 में ये मॉल पड़ता है दोस्तों, माहगुन मॉल, ये पेट्रोल पंप के बिल्कुल पास में ही है, पास में क्या बिल्कुल इसके पीछे है। दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया था माहगुन मॉल का फ्रंट गेट, एंट्री गेट, जो पेट्रोल पंप के बिल्कुल बराबर में यानी उसके पीछे है। अब हम आए हैं माहगुन मॉल के बैक गेट पर। दोस्तों आप यहां से भी एंट्री कर सकते हैं। और गौरव जी जरा एक बार ये रास्ता दिखाइए, पहले ये रास्ता दिखाइए, ये इसका जो है दोस्तों ये जो रास्ता है ये डाबर से सीधी रोड आती है नाले के बराबर से, और ये सीधी सेक्टर 2 में चली जाती है और 1 में चली जाती है। इसी रोड पर आयकर भवन के बिल्कुल बराबर में पीछे, जैसा मैंने आयकर भवन भी दिखाया था, इसके बराबर में ही माहगुन मॉल का बैक गेट है, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। इसके ठीक बराबर में दोस्तों सरोवर पोर्टिको एक होटल भी है, ये एक 5-स्टार होटल है दोस्तों। इसको हम अभी यहाँ से भी थोड़ा जिम थोड़ा पीछे आइए आप, थोड़ा गौरव जी थोड़ा पीछे आइए, अभी हम इसको जूम करके दिखाते हैं। माहगुन सरोवर पोर्टिको होटल है दोस्तों, ये 5-स्टार होटल है। चलिए तो देख हम अंदर से माहगुन मॉल आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कि अंदर से माहगुन मॉल कैसा है। अभी आपको शॉप्स दिखाइए, अभी और आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये बच्चों की मस्ती के लिए आप देख रहे हैं घोड़े वगैरह है, आप इनकी यहाँ पर राइड कर सकते हैं। जैसे छोटी सी ट्रेन है, जरा दिखाइए ट्रेन आपको, बच्चे इसमें बैठ कर यहाँ पर घूम सकते हैं। ये एक्चुअली इसमें थोड़ा पैसे वगैरह लगते हैं, कुछ पैसे देने पड़ते हैं आपको। इधर ये लूस फ्लिप का शोरूम है, इधर ये आपको कोट वगैरह का शोरूम है, इधर ये आप देखते रहिए, और वो भी बहुत सारी शॉप्स है। अभी कैमरामैन सभी पर निगाह डालते हैं एक बार, इधर ही देखिए, इधर ये जो लोग आए हैं यहाँ पर। दोस्तों ये कॉस्मेटिक शॉप है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी, मैडम है जो यहाँ पर बैठती है, इनसे पूछ लेते हैं कोरोना काल के बाद से फुटफॉल क्या है, कस्टमर पे क्या फर्क पड़ा है और काम पे क्या फर्क पड़ा है, मैडम थोड़ा बताएंगे आप। फुटफॉल तो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा स्लो है, वॉकिंग्स कम है, कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं होते। तो अभी आने शुरू हुए हैं ग्राहक या नहीं आते अभी? बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं जो अभी निकल रहे हैं रिसेंटली, वो कहते हैं कि हम लॉकडाउन के बाद निकले ही नहीं घर से। अच्छा, हाँ फुटफॉल तो बहुत काम पे है। क्या फर्क है मैडम आपका? बहुत ज्यादा डिफरेंट है, 50 से ज्यादा का डिफरेंस है। अच्छा, मतलब 50% से ज्यादा का डिफरेंस। जैसे मैडम बता रही है कि पहले के मुकाबले 50% क्लाइंट्स कम हो गए हैं, कस्टमर कम हो गए, नहीं आ रहे हैं। तो अभी कोरोना काल का असर है, वैसे कोरोना का इतना रहा नहीं लेकिन अभी काम पर असर है। तो ये हमारी जानकारी थी जो हमने मैडम से ली थी। यहाँ पर ना जेंट्स के आप सूट वगैरह या कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं शादी में, लगा आगे फ्लाइंग मशीन है, जींस वगैरह का, न्यू मरेनो है, ये बहुत सारी शॉप्स है नीचे, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। अब हम माहगुन मॉल में नीचे बेसमेंट में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर किस किस तरह की शॉप्स हैं, वहाँ से आप क्या शॉपिंग कर सकते हैं। चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं हम।
से हम नीचे आए हैं, यहाँ पर फुटवेयर के शॉप्स है, शूज की 2-3 शॉप्स है, यहाँ पर लेडीज जेंट्स सभी तरह के शूज की शॉप्स है। और आगे हम दिखाते हैं आपको, हेयर ड्रेसर है नीचे, एक आइसक्रीम का भी है, आप आइसक्रीम वगैरह आपको खानी है तो ये छोटे बच्चों के टॉयज वगैरह भी मिलते हैं आपको यहाँ पर, ये इस तरह की शॉप्स हैं। अपने ही कोने पर डोमिनो शॉप्स है, यहाँ से आप पिज्जा वगैरह आपको खाने का मन है तो आप पिज्जा वगैरह खा सकते हैं। और ये छोटी छोटी शॉप्स है, ओप्पो की है, जैसे मोबाइल वगैरह कुछ भी, कोई ऐसा आपको इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान, मतलब बिग बाजार में आपको सभी तरह की शॉपिंग करने को मिलेगी दोस्तों। ये महागुण मॉल के बेसमेंट में है बिग बाजार। दोस्तों हमारे कैमरे में जैसे आपको दिखा रहे हैं नीचे का, अभी हम ऊपर जा रहे हैं फिर से इसके फर्स्ट फ्लोर पर।